वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो, बढ़िया? तो हमने पिछली क्लासों में व्रत के त्रिजखंड और व्रतखंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने आपको 15.2 के जितने भी क्वेश्चन है त्रिजखंड और व्रतखंड के वो कंप्लीट करा दिए, और अब आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15.2। तो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल करा दिए त्रिजखंड और व्रतखंड के, यानी कि सेक्टर और सेगमेंट के। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके समझा दिया है कि त्रिजखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, व्रतखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराए उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है, जो कोण है केंद्र पर वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, केंद्र पर अंतरित कोण θ बराबर कितना है 60 डिग्री। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चाप की लंबाई इसको निरूपित करते हैं L से। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। आप करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमें इस फॉर्मूले क्या रखना है, पाई और आर का मान रखना है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और क्या होता है 3.14। तो इसमें रखेंगे पाई बराबर 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना 7 सेंटीमीटर और थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और बट्टे में क्या 180, तो गुणा 180। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 तीन बार कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचेगा 22/3। ठीक है, और 22 में 3 के बाद रहेंगे तो कितना आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी जो त्रिज्या है वो किसमें सेंटीमीटर में, तो चाप की लंबाई क्या आएगी सेंटीमीटर में आएगी, जो चाप की लंबाई है उसका मान कितना है 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है वो रखना है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या और कोण है उसका मान रखना, और यहाँ से कैलकुलेशन करके इसका मान आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या और त्रिजखंड का कोण 45 डिग्री है तो लघु त्रिजखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, कोई वृत्त है इसका केंद्र है O, और केंद्र पर जो त्रिजखंड है वो कितनी डिग्री कोण बनाता है 45 डिग्री का, और इस त्रिजखंड की त्रिज्या कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, जो त्रिजखंड है ये, इसको मान लेते ओ पी क्यू, तो हमें ओ पी क्यू जो त्रिजखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, और जो त्रिजखंड का कोण है कितना 45 डिग्री, तो त्रिजखंड का कोण θ बराबर कितना है 45 डिग्री हमें दे रखा है। तो हमें जो त्रिजखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो लघु त्रिजखंड है उसका, तो लघु त्रिजखंड
ओपी क्यू का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। मैंने आपको इसके दो फॉर्मूले बताए थे, एक बताया था एक बट्टे दो एल इन टू आर, यहां पे एल क्या है चाप की लंबाई, ठीक है, और यहां पे आर क्या है जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है। अगर आपको जो त्रिज्याखंड दे रखा है अगर उसकी चाप की लंबाई दे रखी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको थीटा दे रखा है यानी जो कोण दे रखा है अगर वो दे रखा है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, ठीक है। तो इस त्रिज्याखंड के दो फॉर्मूले हैं, एक बट्टे दो एल एन टू आर और दूसरा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, क्योंकि हमें जो कोण है उसका मान दे रखा है कितना 45 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिज्या और थीटा का मान रखेंगे, पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे 7 आर स्क्वायर, आर कितनी है 10.5, इसका दो बार गुणा होगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 10.5 का दो बार गुणा हो गया, और थीटा थीटा कितना है 45 डिग्री बट्टे में क्या है 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 45 से 360 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, चार बार, और दो से चार दो बार, और दो से जो 22 है कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 11 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बट्टे 7 गुणा 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 43.31, किसमें है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिज्याखंड OPQ का क्षेत्रफल आ गया है 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको इसमें क्या करना है, जो त्रिज्याखंड है OPQ उसका फॉर्मूला रखना है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो आपको इसमें त्रिज्या और जो कोण है थीटा उसका मान रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को नोट करो, अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के जो लघु त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आर 7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई एल बराबर कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको इसके दो फॉर्मूले बताए थे, एक होता है हाफ इंटू एल इंटू आर, एल क्या यहां पे चाप की लंबाई और आर क्या त्रिज्या, एक हो गया ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो इसमें क्या है, हमें थीटा का मान पता होना चाहिए और आर का मान पता होना चाहिए, तो हमें इस क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक बट्टे दो एल इंटू आर, ठीक है। तो यहां पे जो चाप की लंबाई है एल और त्रिज्या आर उसका मान रख देंगे, तो एक बट्टे दो गुणा चाप की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर और आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 से 12 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 6 गुणा 7 कितना होता है 42, ये किस में आएगा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, जो लघु त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसमें केवल क्या करना है, जो लघु त्रिज्याखंड है उसकी चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक बट्टे दो एल इन टू आर, एल क्या यहाँ पे चाप की लंबाई, आर क्या त्रिज्या। अगर हमें थीटा दे रखा होता और त्रिज्या दे रखी होती तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आएगा, अब इस क्वेश्चन को नोट करो, आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 15.2 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त दे रखा है इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और थर्ड है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, वृत्त है और इसका मान लेते केंद्र ओ है, ठीक है। तो त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड है योग्य त्रिज्याखंड, इसका कोण दे रखा है केंद्र पर 60 डिग्री,
ये त्रिज्यखंड हो गया, ये भी इसकी चाप, इसको मान लेते हैं PQ। तो PQ चाप और जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी रखी है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, और चाप और दो त्रिज्या द्वारा जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो ओ पी यहां पर मान लेते हैं एक बिंदु R, तो ओ पी आर क्यू, ये क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो चाप है पी आर क्यू इसकी लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, संगत जीवा, तो इसकी संगत जीवा हो जाएगी। जीवा क्या होती है, जीवा होती है जो वृत्त को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, और जो बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड, और छोटा वाला भाग होता है ये वाला भाग, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्यखंड क्या है, ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण कितना 60 डिग्री, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे, चाप की लंबाई, फर्स्ट चाप की लंबाई L बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था पाई आर थीटा बट्टे 180। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें R और किसका थीटा का मान रखेंगे, तो पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे 7 गुणा R, R कितनी 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है 60 और बट्टे में क्या 180। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 60 से 180 कैंसिल तीन बार और 7 से 21 तीन बार और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे केवल 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो चाप की लंबाई है, चाप क्या है हमारी पी आर क्यू, इसकी लंबाई आ गई है कितनी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सेकंड क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड क्या है ओ पी आर क्यू, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले होते हैं इसके त्रिज्यखंड के, एक होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ठीक है, तो हमारे पास थीटा भी है और आर घन त्रिज्या भी है, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 1/2 एल इंटू आर, यहां पे एल क्या है चाप की लंबाई, आर क्या है त्रिज्या, तो हमारे पास जो त्रिज्यखंड है उसकी चाप की लंबाई भी है 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या का भी मान भी है हमारे पास। ठीक है, तो हम दोनों फॉर्मूले से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या है 1/2 एल इंटू आर, तो हमारे पास चाप की लंबाई भी है आर यानी कि त्रिज्या भी है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 चाप की लंबाई क्या है एल 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 22 11 बार और 11 गुणा 21, तो गुणा करेंगे 21 का गुणा 1 से तो 1 और 2 और 21 का गुणा 1 से करेंगे 21 2 23, तो 231 क्या है क्षेत्रफल है और किसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी यानी कि इसकी इकाई आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड ओ पी आर क्यू इसका क्षेत्रफल आ गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया, अब क्वेश्चन करेंगे तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो वृत्तखंड है पी आर क्यू इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना और इसकी जो जीवा क्या है पी क्यू इसकी जीवा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसको यहां पर लिख देता हूं, संगत जीवा PQ द्वारा वृत्तखंड PRQ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो त्रिज्यखंड है OPRQ इसके क्षेत्रफल में से जो क्षेत्रफल है जो त्रिभुज OPQ इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल जो बचेगा वो बचेगा पी आर क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, त्रिज्यखंड ओ पी आर क्यू
का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे किसका क्षेत्रफल, जो त्रिभुज है ओपीक्यू, त्रिभुज ओपीक्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड ओपीआरक्यू का क्षेत्रफल क्या है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे 2। अब इसका मान रखते हैं, तो यहां से जाएगा 231 माइनस आर स्क्वायर, आर क्या है 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा 21, क्योंकि आर का क्या स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, और साइन थीटा, साइन और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बट्टे 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 231 माइनस 21 गुणा 21 और साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बट्टे 2, तो अंडर रूट 3 बट्टे 2 आ जाएगा किसका मान, साइन 60 डिग्री का बट्टे 2, और इसके बट्टे में भी क्या है 2 है, तो बट्टे में 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 231 माइनस 21 गुणा 21 कितना होता है 441 गुणा रूट 3 और 2 गुणा 2 कितना होता है 4। ठीक है, और आपको पता है रूट 3 का मान कितना होता है 1.73। ठीक है, इसका भी मान रख लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 231 माइनस 441 गुणा रूट 3 का मान होता है 1.732 बट्टे 4। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मान आ जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं 231 माइनस, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल को, तो यहां से आ जाएगा 190.953। ठीक है, तो 231 में से माइनस करेंगे 190.953, तो यहां से आ जाएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो वृत्तखंड है पी आर क्यू, उसका क्षेत्रफल आ गया है 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो वृत्तखंड है वो पीआर क्यू का क्षेत्रफल कैसे निकाला है, जो त्रिज्यखंड है, जो चाप PRQ द्वारा जो त्रिज्यखंड बना है, उसके क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज है OPQ, OPQ का क्षेत्रफल घटा दिया, जो बचा है भाग PRQ, ये क्या हो गया वृत्तखंड, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, और आपको पता होना चाहिए जो PRQ जो चाप है, इसके द्वारा क्या बनता है, त्रिज्यखंड बनता है, और जो जीवा क्या है, जीवा PQ, इसके द्वारा क्या बनेगा, वृत्तखंड बनेगा, ये हो गया लघु वृत्तखंड। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको नोट कर लो। ठीक है, इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक घड़ी है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से क्या सुई लग रही है यहां पर, ये क्या मिनट की सुई है, इसको मान लेते मिनट की सुई है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो मिनट की सुई है 10 मिनट, मान लेते हैं 10 मिनट में यहां पे आ जाएगी, घूमकर क्या जाएगी यहां पे आ जाएगी, तो इसके द्वारा बना गया त्रिज्यखंड, तो इसके द्वारा कौन सा त्रिज्यखंड बनेगा, इसको मान लेते हैं ओ, ये पहला पॉइंट था यहां पे, पहले ओपी पे थी, उसके बाद कितने 10 मिनट चली, 10 मिनट चलने के बाद ये यहां पे आ गई किस पे, क्यू पॉइंट पे, तो जो त्रिज्यखंड बनेगा ओपीक्यू, इसके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इस सुई द्वारा जो कोण बना है थीटा, तो हमें पहले इसका थीटा का मान ज्ञात करना है, कितने डिग्री का कोण बनेगा सुई द्वारा, ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, घड़ी की मिनट की सुई, तो मिनट की सुई की लंबाई यानी कि यह होगी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी 10.5, तो केंद्र से परिधि तक दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो ये क्या हो गई, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसको हम त्रिज्या मान सकते हैं, ये आर बराबर कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, अर्थात ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, अर्थात त्रिज्या आर बराबर कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। आपको इतना समझ में आ गया, जो लंबाई है सुई की वही क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, तो क्या याद करेंगे, पहले जो मिनट की सुई है वो कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो मिनट की सुई एक घंटे, यानी जो मिनट की सुई है वो क्या एक घंटे में क्या करती है,
एक सर्किल यानी कि चक्कर कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का, ठीक है। तो मिनट की सुई एक घंटे यानी कि 60 मिनट बना गया कौन, यानी केंद्र में कितनी डिग्री कोण बनाएगी, एक चक्कर कंप्लीट कर रही है तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, कितने घंटे में, एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनेगा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले एक मिनट में निकालेंगे कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में बनाएगा कोण कितना हो जाएगा, 360 बट्टे 60। 60 मिनट में बना रही है 360, तो एक मिनट में क्या आ जाएगा, 60 का भाग ले जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 6 डिग्री का, ठीक है। एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो हमें क्या याद करना है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बना गया कोण। तो इसलिए 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण एक मिनट में बना रही है 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में क्या बनाएगी, 6 × 10 60 डिग्री का। तो यहां से पता चल गया जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, ये हो गया 10 डिग्री का। इसको मान लेते ये कोण है वो 10 डिग्री का है, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है जो त्रिज्यखंड है OPQ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड नहीं, ठीक है। आपको पता होना, डिफरेंस पता होना चाहिए, जो चाप है वो क्या बनाएगी, त्रिज्यखंड बनाएगी, और जो जीवा है वो क्या बनाती है, वृत्तखंड बनाती है, यानी कि सेगमेंट बनाती है। तो मान रखते हैं पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर क्या दे रखी है 10.5, जो सुई की लंबाई है वही क्या है इस वृत्त की त्रिज्या 10.5, इसका स्क्वायर है तो दो बार गुणा होगा 10.5 × 10.5 गुणा थीटा, थीटा कितना आया हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 बट्टे 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 से कैंसिल हो जाएगा 360 6 बार, ठीक है। तो इसको हम पूरी को सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, गुणा करके देख लेना, तो इसका मान आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, हमें इस क्वेश्चन क्या ज्ञात करना था, जो मिनट की सुई है उसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है OPQ उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। पहले हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। थीटा का मान ऐसे याद करते हैं, मैंने आपको उसका डेरिवेशन बताया था और मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को नोट करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, एक वृत्त है, ये हो गया इसका केंद्र O, ठीक है। एक जीवा दे रखी है, मान लेते हैं कोई जीवा है PQ, तो इसके द्वारा केंद्र पर कितनी डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री, यानी समकोण बन रहा है 90 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है जीवा PQ द्वारा जो वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, जो छोटा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हो गया P, इसको मान लेते आर क्यू, तो हमें पी आर क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो त्रिज्यखंड है OPRQ, जो त्रिज्यखंड OPRQ का क्षेत्रफल है, इसमें से क्या करेंगे, जो त्रिभुज है OPQ इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा वृत्तखंड PRQ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, और हमें त्रिज्या क्या दे रखी है इसकी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री, केंद्र पर
आंतरित कोण, थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तो मैं क्या याद करना है, वृत्तखंड है पी आर क्यू का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो त्रिज्यखंड है ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैंने आपको इसका डेरिवेशन बताया था, इसका फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, तो इनके मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर क्या है 3.5, दो बार गुणा करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, गुणा थीटा, थीटा मान दे रखा है हमें 90 डिग्री, बट्टे में क्या है 360, तो गुणा 360 हो जाएगा नीचे, माइनस आर स्क्वायर, आर क्या 3.5, तो दो बार गुणा होगा इसका, साइन थीटा दे रखा है 90 डिग्री बट्टे 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 90 से कैंसिल हो जाएगा, 36 कितनी बार, 4 बार, तो यहां से आ जाएगा 22 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा 7 गुणा 4 माइनस 3.5 गुणा 3.5 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो गुणा 1 बट्टे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, तो इसका मान आ जाएगा 9.63 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना आएगा 6.125। ठीक है, तो 9.63 में से 6.125 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा लगभग, लगभग क्या आ जाएगा 3.51, किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो जो वृत्तखंड है पी आर क्यू, इसका क्षेत्रफल आ गया है 3.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन समझ आ गया, मैंने इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या किया हमने, जो त्रिज्यखंड है उसके क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज है OPQ का क्षेत्रफल घटा दिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे 2। तो इसमें क्या किया हमने, थीटा का मान रखा है, ठीक है, और आर का मान रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से माना जाएगा 3.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है, जो वृत्त है उसका चौथा भाग। देखते हैं, ये वृत्त है, ये इसका हो गया केंद्र, इसको मान लेते हैं ओ, तो इसका चौथा भाग तो क्या होगा, ये होगी 2 भाग, ये हो गया इसके 4 भाग, हो गया इसका केंद्र, तो 4 भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो चौथा भाग है, मान लेते हैं इस भाग को, मान लेते हैं हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपको पता है जो पूरा वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो हमें चौथा भाग ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो चौथा भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका यह है, और दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है जो केंद्र है इस पर कितनी डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का, जब हम एक चक्कर पूरा करते हैं तो कितनी डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है, और चौथे भाग में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये कितने का बनेगा 90 डिग्री का, तो यहां पे जो चौथा भाग है उस पर कितनी डिग्री कोण बनेगा 90 90 90 90। ठीक है, कितना हो जाएगा 360, तो पहले भाग में 90 डिग्री कोण बनेगा, थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया ओ पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो गई, चाप हो गई, यानी कि जो परिधि है उसका एक चौथा पार्ट हो गया, यानी कि इसका भाग हो गया पी क्यू, चाप हो गई, तो चाप द्वारा और जो त्रिज्या है उसके द्वारा जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं, तो OPQ क्या हो जाएगा, एक त्रिज्यखंड हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, इसका होता है पाई आर स्क्वायर
थीटा बट्टे 360। तो यहां पे क्या कर देंगे, आर तुम्हें पता है आर का मान कितना दे रखा है, यहां से निकाल लेंगे जो हमारे पास परिधि दे रखी है और जो थीटा, थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले को मैं आपको बता दिया है, आपकी इच्छा है आप किसी फॉर्मूले से करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से क्या करेंगे, r है त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, तो यहां से r बराबर जाएगी 22/2π। जो संख्या क्या है मल्टीपल में गुणा में, तो उसका जो पंचांतरण करते हैं तो किस में जाती है, डिवाइड में जाती है, भाग में जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 22/2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 करूंगा तो ये ऊपर से आ जाएगा, तो गुणा हो जाएगा ऊपर 7 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r बराबर 7/2 और 7 में 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या की इसकी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इसका जो वृत्त है उसका चौथा भाग, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जो पूरा वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये चतुर्थांश है यानी चौथा भाग है, तो 4 से क्या हो जाएगा, 12 लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर क्या हमारे पास 3.5 निकल के आई है, तो इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, बट्टे में क्या है 4, तो नीचे 4 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो चौथा भाग है ओपी की उसका माना गया है 9.625। एक तरीका ये, मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, जो त्रिज्यखंड है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, और यहां पे आपको पाई का मान पता है 22/7 होता है, गुणा आर स्क्वायर क्या है, आर 3.5 गुणा 3.5 दो बार गुणा हो जाएगा, गुणा थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, जो चौथा पार्ट है उस त्रिज्यखंड का कोण क्या है 90 डिग्री है, और बट्टे में क्या है 360। आप इसको कैलकुलेट करोगे तब भी इसका मान आ जाएगा कितना, देखिए 90 से 360 चार बार कैंसिल हो जाएगा, तो वो आ गया, वही आ गया, तो यहां से आ जाएगा कितना मान इसका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने दो तरीके बता दिए, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस प्रश्न सामग्री के 7 क्वेश्चन तक करा दिए, अब इस प्रश्न सामग्री के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, यानी कि कल कराऊंगा, और मैंने आपको जितना कुछ कराया है आपको खुद सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए वो इस चैनल से जुड़े और वो इस वीडियो का फायदा उठाएं, ताकि उनकी पढ़ाई क्या उसके कंटिन्यू उसके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और अच्छी तरीके से घर पर बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।